सो गाइस, सबके दिमाग में एक चीज चल रहा है कि अगला बुल रन कब आएगा। ये मार्केट क्रैश ऑलमोस्ट एक साल से चल रहा है और यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली कि कब ये मार्केट में बुल रन आए और कब हम लोग अपनी एक्चुअल जो प्राइस है उससे आसपास में भी कहीं पहुंच जाए ताकि कुछ तो प्रॉफिट हो। बट स्टिल ये क्वेश्चन अभी भी है। लेकिन अब जो अपडेट आई है रेगुलेशंस को लेकर, ये कहीं ना कहीं इस नेक्स्ट बुल रन को लाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। और यही नहीं, टोटल जो है पूरा वर्ल्ड इसके पीछे लगा हुआ है, तो पूरी चीजें हम लोग जानते हैं शुरुआत से एंड तक। वीडियो जरूर देखना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि ऐसी बेस्ट वीडियोस में देने की कोशिश करता रहता हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं ये क्रिप्टो रेगुलेशन जो बहुत ज्यादा इशू क्रिएट करके मार्केट को डंप कर गया और काफी सारी कंट्रीज में रेगुलेशन शुरू हो गई एक लहर, जहां से मार्केट बेरिश से और नीचे नीचे जाने लगा और कॉइन जो है धड़ाके से हमको पैसे बर्बाद करते दिख रहे थे। अब सिंपली कुछ अपडेट आए हैं कि भाई अपने जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने IMF को बोल दिया है कि भाई इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक अच्छा रेगुलेशन लाना चाहिए और जिसको आप लीड करें, मतलब कि IMF लीड करे। बेसिकली जो है ये चीज पूरे ग्लोबल से चलने वाली है, हर एक कंट्री को इसमें मर्ज होगा। उनका कहना यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग इसके थ्रू ज्यादा हो सकती है। अगर ग्लोबली इस चीज को वर्ल्ड बैंक को यूज करके उनके टर्म्स को जान पहचान किया, ये ऐसा रेगुलेशन लाना चाहिए क्रिप्टो में जो कि कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो। और सीधी सी बात है, हाँ या ना करते हुए भी काफी सारा पैसा एक्सचेंजेस के थ्रू क्रिप्टो में लगता जा रहा है और कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस नॉन रेगुलेटेड होते ही फिर भी काफी सारा अच्छा वर्क कर रहे हैं लीगली। और ये चीज सीधी सी बात है, सब लोग जानते हैं वर्क नहीं करने वाली है 30% टैक्स वाली, क्योंकि अगर एक्चुअली में देखा जाए तो ये गैम्बलिंग नहीं है। यहाँ पे भी पोटेंशियल प्रोजेक्ट सब कुछ वर्क कर रहा है और लोग अंधाधुन पैसा लगा रहे हैं। और उनका कहना यह है कि आने वाले टाइम पे काफी सारा पैसा लग रहा है जहां पर बहुत सारा ह्यूज लॉस होने की पूरी पॉसिबिलिटी है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए काफी सारे प्रोजेक्ट स्कैम भी कर लेते हैं बिना कुछ पता चले। तो एक हिसाब से देखा जाए तो रेगुलेशन सच में बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर रेगुलेशन आता है तो सीधी सी बात है, ऐसे इन्वेस्टर जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ऐसे बड़े इन्वेस्टर जो कि क्रिप्टो को अभी भी फेक समझते हैं या फ्रॉड समझते हैं, उन लोगों का ध्यान कहीं ना कहीं ये रेगुलेशन खींचेगा। क्योंकि अगर कंट्रीज सारी मिलकर इसको रेगुलेट करती हैं, रूल्स रेगुलेशन वाइज लाती हैं, तो बेशक हमारे लिए अभी स्ट्रिक्ट हो जाएगा, लेकिन सिंपली जो लोग बहुत पद्धति से काम करना पसंद करते हैं, जो लोग सब जान परख के करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सही चीजें हो जाएंगी। दूसरी तरफ स्कैम का जो है थोड़ा सा रिस्क शायद लो हो सकता है। अब क्या आता है रेगुलेशन वो तो आने वाले टाइम पे बताएंगे, बट अगर रेगुलेशन एक पॉजिटिव वे में आता है तो मार्केट हमको काफी ज्यादा बुल रन में दिखेगा, क्योंकि सबका ट्रस्ट वापस से गेन हो जाएगा। ऐसे लोग जो सेल करके गए थे फिर से प्रॉफिट के बहाने आएंगे। दूसरी तरफ ऐसे इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होंगे जो अभी तक क्रिप्टो में कभी नहीं आए। और दूसरी तरफ एक पॉजिटिव चीज की लहर फैल जाएगी इस मार्केट में, क्योंकि ये रेगुलेशन क्रिप्टो को लेकर बहुत जरूरी है। क्योंकि कब तक ये चीज बैन हो रही है, नहीं हो रही है, इतना टैक्स के पीछे पड़े रहेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो इस बेरिश मार्केट में जिसने भी कॉइन में इन्वेस्ट किया होगा वो बेशक बुल रन में काफी बढ़िया प्रॉफिट कमा सकता है। तो यहाँ पर IMF की तरफ से भी ऑफिशियल ट्वीट हुआ है कि भाई ये चीज हम लोग बिल्कुल हेल्प करने वाले हैं और ग्लोबली क्लाइमेट चेंज को लेकर और क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन को लेकर बिल्कुल हम लोग हेल्प करेंगे, जो कि एक अच्छी बात है और काफी पॉजिटिव बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लाएगी क्रिप्टो करेंसी में। होप आपको ये वीडियो ने जरा सी इन्फॉर्मेशन दी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसकी भी अपडेट मैं देने वाला हूँ। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप अभी इस समय कितना लॉस चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, आपने कितना इन्वेस्ट किया है, क्या लॉस है आपका। प्लीज शेयर जरूर करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।